वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और जो हमने अरिहंत की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, अरिहंत में जैसा कि आप जानते हैं ओनली मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट बच गया है और बाकी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, तो इसे भी बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने देखा था इंटरनेशनल मूवमेंट का सेकेंड फेज, जिसमें हमने 1935 तक देख लिया था, 1934 तक प्रिसाइजली, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म होता है वहाँ तक हमने देख लिया है। तो इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो आज हम कवर करेंगे थर्ड फेज़ में, इंटरनेशनल मूवमेंट के थर्ड फेज़ में, जो कि 1935 से लेकर 1947 तक का ये पीरियड माना जाता है। तो इससे पहले बता दूं दोस्तों कि चैनल पे नए हैं और ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का जो मैं डालता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। ये अरिहंत की 25,000 वनलाइनर वाली बुक है, इसमें आज जो हमारा थर्ड फेज़ है उसको देखेंगे। तो 1935 में ही एक एक्ट आया था जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। विच वेयर द टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें प्रावधान किया गया कि फेडरेशन बनाया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट रहेंगी, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगी और प्रिंसली स्टेट्स होंगी, गवर्नर टेरिटरी होंगी, सबको मिला के एक फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जो कि संभव नहीं हो पाया क्योंकि इसमें प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया। इसकी दूसरी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट थी इस एक्ट की, तो ये थी डायार्की। उस समय डायार्की जो था वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो है ऑटोनॉमी नहीं थी, डायार्की लगा रखा था, उसका एवोल्यूशन किया गया। ठीक है, उसका एवोल्यूशन किया गया। तो ये दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अगला सवाल है कि विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का? तो यहाँ पे जो डायार्की ख़त्म किया गया ना, जिससे हमें क्या मिला, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यही हो जाता है कि इसके थ्रू प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू हुई। अंडर विच एक्ट वेयर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वेयर कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये था वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी के द्वारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूट किए गए, मतलब डायार्की ख़त्म किया गया। अब इसके बाद जो हुआ वो था प्रोविंशियल इलेक्शंस, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करने थे, तो वो कैसे फॉर्म होते, वो इलेक्शन के थ्रू फॉर्म होने थे। तो प्रोविंशियल इलेक्शंस को देखेंगे और उनके रिजल्ट क्या रहा उस इलेक्शन का, उसके बारे में जानेंगे मेरे मित्रों। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में कांग्रेस डिड नॉट विन ए एब्सोल्यूट मेजोरिटी। कई सारे स्टेट ऐसे थे जहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन्होंने जीती है, बट कुछ ऐसे जगह भी थे जहाँ पे इनको एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट जो कहते हैं ना मेजोरिटी नहीं मिली। तो ये था बंगाल। ठीक है, और ये इलेक्शन क्यों हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रावधान था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उसके लिए ज़रूरी ये था कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का इलेक्शन हो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विच वेयर हेल्ड अंडर द 1935 एक्ट। नेक्स्ट आता है इन विच प्रोविंस इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट ऑब्टेन फुल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन हेल्ड इन 1937। तो पहला हमने देखा था बंगाल में इनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली थी, दूसरा जो था ये पंजाब में भी इनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कह लो या फिर फुल मेजोरिटी कह लो, एक ही बात है, फुल मेजोरिटी नहीं मिली, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इनको पंजाब में भी नहीं मिली। अगला सवाल है कि इन विच प्रोविंस इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड नॉट गेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी ड्यूरिंग इलेक्शन, जनरल इलेक्शन ऑफ 1937। तो ये था आसाम। तो अब तीन प्रोविंसेस आपने देख लिए, एक तो देखा आपने बंगाल जहाँ पे इनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली, पंजाब में भी ये फुल मेजोरिटी से दूर रह गए और आसाम में भी यही कहानी हुई। तो तीन स्टेट बिल्कुल आपके ज़ुबान पर होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए आपको, अगर आपको एग्ज़ाम में इन ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना है, और ये वही क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट होती रहती हैं। अगला सवाल है विच ईयर डिड बटलर कमिटी फॉर्म,
बटलर कमेटी क्यों बनाई गई थी, ये प्रिंसली स्टेट में पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या मेथड होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसकी क्या संबंध हैं फ़िलहाल प्रिंसली स्टेट में और कैसे सुधारा जा सकता है, इसके लिए बटलर कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी मेरे मित्रों इन द ईयर 1927 में बटलर कमेटी बनाई गई थी। अगला सवाल है, विच कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू इंक्वायर इन टू द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। फिर से पढ़ता हूँ सवाल, विच कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू इंक्वायर इन टू द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, तो ये भी थी बटलर कमेटी। अभी हमने डिस्कस किया था कि 1927 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रिंसली स्टेट के रिलेशनशिप को इंक्वायर करने के लिए, उसमें इंक्वायरी लगाने के लिए, उसकी जांच करने के लिए बनाई गई थी। व्हेन डिड ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क लगा देता हूँ, बार बार पूछा जाता है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है ये 1927 में फाउंड की गई और यहाँ पे अब जो है कांग्रेस ने ऑल इंडिया स्टेट जो है प्रिंसली स्टेट के लिए बेसिकली उनको मिलाने की सोच जो है इनके जहन में आने लग गई थी कांग्रेस के। सो हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ भारत प्रजा मंडल इन 1939, तो ये बने थे जवाहरलाल नेहरू। हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ भारत प्रजा मंडल इन 1939, करेक्ट आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू। इन विच ईयर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंट यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये 1947 में मैक्सिमम नंबर ज्वाइन कर गए थे तीन को छोड़ के, तीन में जूनागढ़ था, हैदराबाद था और जम्मू एंड कश्मीर था, जो कि डिफरेंट मेथड के द्वारा इनको ज्वाइन कराया गया। सो विच थ्री प्रिंसली स्टेट्स रजिस्टर्ड टू ज्वाइन इंडियन यूनियन, तो ये थे जूनागढ़, जूनागढ़ में रेफरेंडम करके इसको मिलाया गया, वहाँ पे वोटिंग हुई और फाइनली लोगों ने बोला कि हम भारत सरकार में मिलना चाहते हैं। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ और जम्मू एंड कश्मीर में भी हरी सिंह के ऊपर दबाव पड़ा, जब पाकिस्तानी कबाइलों ने हमला किया तो वो भागे भागे से आए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। फिर आता है, व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, तो ये हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 26 अक्टूबर 1947। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया विच रीजनल स्टेट केम अप विद द प्रपोजल ऑफ देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ये पंजाब ओन स्टेट बनाने की मांग कर रही थी जो कि पॉसिबल नहीं था, तो इनको मिला नहीं। ठीक है मेरे भाइयों, फिर अगला आता है, लिस्ट ऑफ इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट 1937 में जो बने थे उनको देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ 1937, तो बंगाल में रूलिंग पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाया था, दो पार्टियों ने मिलकर कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने गठबंधन या फिर मिलीजुली सरकार बनी, जिसमें उस समय लीडर जो होता था चीफ मिनिस्टर नहीं बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था उस समय, जो लीडरशिप देता था, उस समय सीएम नहीं बोला जाता था, हालांकि प्रोविंस में ये बन रहे थे लेकिन प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था इनको, तो फजलुल हक इसके प्राइम मिनिस्टर बने। पंजाब में भी मिलीजुली सरकार थी, कांग्रेस की नहीं बन पाई, यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई, और इसके पीएम बने यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेजेंट डे इक्विवेलेंट टू सीएम उस समय, मतलब कि सीएम जो है अभी, वो उस समय उसका नाम पीएम हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय जो है पंजाब के जो प्राइम मिनिस्टर बने इनका नाम है सिकंदर हयात खान। सिंध में जो है सरकार बनी, सिंध यूनाइटेड पार्टी ने बनाई, यहाँ पे भी कांग्रेस की नहीं बन पाई, तो गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला और एंड अल्लाह बख्श जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। बिहार में ऑब्वियसली कांग्रेस ने सरकार बनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है, और श्री कृष्ण सिंह इसके जो है सीएम बने, पहले पीएम कह सकते प्राइम मिनिस्टर। यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी प्रेजेंट डे, यहाँ पे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बनाई, गोविंद बल्लभ पंत जो थे पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने। बॉम्बे में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बनाई और बाला साहेब गंगाधर खर जो है यहाँ पे पीएम बने।
असम में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बन ही गई, गोपीनाथ बारदोली क्योंकि सादुल्ला ने यहाँ पे रिजिग्नेशन दे दिया तो बाद में गोपीनाथ बारदोली को बनाया गया यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, सी राजगोपालाचारी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने, और उड़ीसा में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी, विश्वनाथ दास यहाँ पे पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर बने। अगला सवाल पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों, आई एम सॉरी फॉर दैट। इन 1937 इलेक्शन कांग्रेस सिक्योर्ड ए क्लियर मेजोरिटी इन द स्टेट नंबरिंग, तो टोटल 5 स्टेट में इन्होंने मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई, मेजोरिटी सिक्योर किया कांग्रेस ने, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, बॉम्बे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, असम, मद्रास, उड़ीसा। अगला सवाल है, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्मड इन इलेक्शन ऑफ 1937 आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935, तो 28 महीने का पीरियड रहा, बाद में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, पूरे जितने भी सरकारें कांग्रेस की थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि इंडिया को जो वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुआ था 1939 में, तो इंडिया से बिना पूछे, वहाँ के लोगों से, बड़े लीडर से बिना पूछे, ब्रिटिशर्स ने बोला कि इंडिया भी ब्रिटिशर्स के साथ वार लड़ेगी, तो ये जो है इनको पसंद नहीं आया और पूरी जो है मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। सो विच कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाई कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1937, तो ये कमेटी का नाम है टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी, क्योंकि टेक्सटाइल उस समय काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा था, और ये जब सरकारें बनी थी तो ये चाहती थी कि जो आम जनता की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी जनता जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थी, तो उनके कष्टों को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा। इन विच ईयर डिड मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड इट्स डे ऑफ डिलीवरेंस, तो ये है 1939 में, ठीक है। इन विच ईयर डिड मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड इट्स डे ऑफ डिलीवरेंस, तो आंसर होगा 1939। अगला सवाल है, इन विच वर्किंग कमिटी डिड कांग्रेस एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग लैंड ओनरशिप, तो ये था कमिटी का नाम है वर्किंग कमिटी 1937। फिर से सवाल पढ़ता हूँ, इन विच वर्किंग कमिटी डिड कांग्रेस एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग लैंड ओनरशिप, तो ये था वर्किंग कमिटी 1937। अगला सवाल है, हु वॉज इंटरेस्टेड विथ फाइनेंस पोर्टफोलियो इन द मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन यूपी आफ्टर इलेक्शन ऑफ 1937, तो रफ़ी अहमद किदवई को यहाँ पे यूपी में फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया था, ठीक है। रफ़ी अहमद किदवई को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंस में, आज के डेट में इसे उत्तर प्रदेश बोलते हैं लेकिन उस समय यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। अब देखिए, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग दिया कांग्रेस को और खुद की फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बना दी थी, तो ये जो था ये क्राइसिस हुआ था त्रिपुरी सेशन का, त्रिपुरी क्राइसिस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस को छोड़ दिया था, रिटायरमेंट ले लिया था कांग्रेस से, तो उसके बाद किसने जो है लीडरशिप संभाली थी कांग्रेस की, ये पूछा जा रहा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने संभाली थी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे त्रिपुरी सेशन के बारे में, जस्ट अभी अगला सवाल ही आ जाएगा। पहला सवाल कहता है, व्हाट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ गांधी जी, क्योंकि गांधी जी ने कांग्रेस को नाम के लिए छोड़ा था, बोला था कि कांग्रेस को मैं छोड़ रहा हूँ बट कांग्रेस के लिए मतलब हमेशा मेरा दिलो जान लगा रहेगा, ठीक है, बट कांग्रेस से रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने, इसके बाद इनका कार्यभार संभाला, लीडरशिप संभाला कांग्रेस का। हु वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 सेशन एट हरिपुरा सेशन, तो सुभाष चंद्र बोस ही थे, ठीक है, दूसरे टर्म में भी ये प्रेसिडेंट बन सकते थे लेकिन गांधी जी चाहते थे कि जो है प्रेसिडेंटशिप के लिए पट्टाभी सीतारमैया बने प्रेसिडेंट, और वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की थोड़ी सी आइडियोलॉजी जो है गांधी जी से मैच नहीं कर रही थी, तो गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि नहीं, पट्टाभी सीतारमैया बनना चाहिए। सो हु डिड गांधी जी फील्डेड फॉर एज प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1939, तो ये था पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ पे हरिपुरा सेशन नहीं होगा, यहाँ पे त्रिपुरी सेशन होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे त्रिपुरी सेशन होगा। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड बाई सुभाष चंद्र बोस आफ्टर स्टेपिंग डाउन फ्रॉम प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस इन 1939, तो इन्होंने 1939 में एक्चुअली हुआ क्या,
ये जीत गए, ये प्रेसिडेंटशिप का जो है चुनाव हुआ उसमें इनको ज़्यादा वोटिंग पड़ी और ये जीत गए। बट कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने बोला कि अगर ये बनेगा प्रेसिडेंट तो हम कांग्रेस में काम नहीं कर पाएंगे। तो अब बिना कांग्रेस के बड़े लीडर्स के सपोर्ट के कांग्रेस कुछ भी नहीं थी उस समय, तो खुद ही सुभाष चंद्र बोस ने जो है मना कर दिया, बोला कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा और मैं कांग्रेस को त्याग देता हूं और मैं अपनी पार्टी बना रहा हूं, फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बना लिया। हरिपुरा वेयर एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन 1938 इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये हरिपुरा जो है ये गुजरात में सिचुएटेड है, हरिपुरा जो है गुजरात में सिचुएटेड है, करेक्ट आंसर होगा गुजरात। सुभाष चंद्र बोस वॉज चूजन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ईयर 1939। वेयर इज त्रिपुरी लोकेटेड, तो त्रिपुरी जबलपुर में एमपी में लोकेटेड है। बट यहाँ पे इनको त्याग करना पड़ा, प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, बन गए थे लेकिन चूज कर लिए गए थे, लेकिन बाद में इनको त्यागना पड़ा ये, ठीक है, क्योंकि इनको टॉप नॉच का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बड़े नेताओं का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अगला सवाल है, व्हेन वाज त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन विच नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो ये त्रिपुरी सेशन 1939 में ही हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1939 में ही हुआ था, लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हो गई क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया जो है प्रेसिडेंट बने। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड टाइम। तो ये त्रिपुरी सेशन ही था 1939 में, बट चुन तो लिए गए बट काम नहीं कर पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाई डिफीटिंग विच लीडर, तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था इन्होंने, लेकिन खुद को भी इन्होंने बाद में देखा कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस के रेजिग्नेशन के बाद पट्टाभी सीतारमैया को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो तो हार गए थे, तो प्रेसिडेंट बनाते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया 1939 में। वॉट वॉज द होल डिस्प्यूट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड राइट विंग आफ्टर त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। तो ये था कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, चाहते थे सुभाष चंद्र बोस की वर्किंग कमेटी कांग्रेस की बनाई जाए और वो लेफ्ट की तरफ मोड़ना चाहते थे बेसिकली कांग्रेस को, मतलब थोड़ा सा रेडिकल हो रहे थे, जबकि बाकी लोग चाहते थे राइट विंग थे, वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके की चीज़ें हों, लेफ्ट का इसमें रोल आए। फिर आता है, विच इंडियन नेशनलिस्ट लुक्ड अपॉन वार बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन एज अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी विच वुड इनेबल इंडियंस टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन टू देयर एडवांटेज। तो ऐसा मान रहे थे सुभाष चंद्र बोस ही, इसीलिए वो चाहते थे कि कांग्रेस के मोडस ऑपरेंडी में, कांग्रेस के काम करने के तरीके में चेंज आए और इसको जो है जर्मनी और ब्रिटेन के वार को, जो कि वर्ल्ड वार द्वितीय था, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से इसको देख रहे थे कि ये भगवान के द्वारा दी गई अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें दोनों हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए। बट ऐसा हो नहीं पाया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है 1939 में, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सो व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। तो ये था, ये तो पहले बोल रहे थे कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटेन के साथ, हमसे बिना पूछे इन्होंने कैसे हमें वार में ले लिया। बट बाद में इन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं जर्मनी है ख़तरनाक, और कुछ भी कहो जर्मनी उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा बुरे पिक्चर में थी, तो इसलिए इन्होंने बोला कि हम कोऑपरेट करेंगे ब्रिटेन के साथ इन केस ऑफ एश्योरेंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि अगर ब्रिटेन हमें बोल दे, एश्योरेंस दे दे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें दे दिया जाएगा तो हम डेफिनेटली कोऑपरेट करेंगे ब्रिटेन के साथ। व्हेन डिड वर्ल्ड वार सेकेंड टुक प्लेस, तो ये 1945 में हुआ था, 1939 में ही स्टार्ट हो गया था रैदर और 1945 में ये ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट है, तो अगला सवाल है, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये थे सर विंस्टन चर्चिल, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल, बार बार पूछा गया सवाल है, देख सकते हैं बीपीएससी में भी पूछा गया सवाल है। अब हम बात करेंगे, एक ऑफ़र दिया था ब्रिटिशर्स ने जिसे बोलते हैं अगस्त ऑफ़र, ये किसने दिया था, ये लॉर्ड लिनलिथगो उस समय का वायसराय था, इसने इशू किया था। सो सवाल ही यही है कि हु इशूड द अगस्त ऑफ़र इन 1940। तो ये था लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है,
लॉर्ड लिनलिथगो ने इसको ऑफ़र दिया था। बेसिकली वो इसलिए ऑफ़र दिया था ताकि इंडियंस जो है सपोर्ट करें ब्रिटेन को इन द कॉज ऑफ वार जो कि जर्मनी के अगेंस्ट में था। ठीक है, तो अगस्त ऑफ़र जो था इसे को पास किया गया था 8 अगस्त 1940 को, इसीलिए इसे अगस्त ऑफ़र भी बोलते हैं। फ्रॉम वेयर वॉज अगस्त ऑफ़र इशूड इन 1940? तो ये शिमला से इशू किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। तो क्यों नहीं इसे एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने, क्यों रिजेक्ट कर दिया इसे अगस्त ऑफ़र को? क्योंकि इसमें कोई भी सजेशन नहीं था फॉर नेशनल गवर्नमेंट की जो है इंडियंस को नेशनल गवर्नमेंट बनाने का अधिकार दिया जाएगा, इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था। तो जबकि इंडियंस चाहते थे कि हम कोऑपरेट तो करेंगे लेकिन हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया जाएगा वार के बाद। फिर आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम आता है वो आता है आचार्य विनोबा भावे का, क्योंकि वो पहले सत्याग्रही थे जिन्होंने इंडिविजुअली जो है अकेले ही सत्याग्रह किया था। बट ये आइडिया किसका था, अंडर हुज लीडरशिप डिड कांग्रेस स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? तो ये था गांधी जी का आइडिया था। व्हेन डिड इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड? तो ये 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट हुआ था। एंड हु स्टार्टेड इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडेंस, या फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह भी बोलते हैं, पहले सत्याग्रह ही भी उनको बोला जाता है। तो ये थे इंडिविजुअल सत्याग्रह ही पहले विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, पोचमपल्ली वाले। पोचमपल्ली में इन्होंने भूदान आंदोलन भी चलवाया था। तो दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं मेनली, एक तो इंडिविजुअल, पहले इंडिविजुअल थे जो कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चलाया था इन्होंने, स्टार्ट किया था, और दूसरा पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन चलाया था। हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? तो ये विनोबा भावे ही थे। बीपीएससी का फेवरेट सवाल है ये, इन इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल वाले? तो सेकेंड थे, ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द वर्ड सर्वोदया वॉज प्राइमरली यूज बाई, तो ये यूज़ किया जाता था महात्मा गांधी के द्वारा। द वर्ड सर्वोदया वॉज प्राइमरली यूज बाई महात्मा गांधी। फिर आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि ये चाहते थे कि इंडियन यूनियन और डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, इंडियन यूनियन बना के इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया भारत ने, फेल हो गया था क्रिप्स मिशन। तो कब आया था ये? 1942 में आया था। तो इन विच ईयर डिड क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया? तो ये 1942 में आया था। एंड वॉट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्स मिशन? तो ये था कि क्रिएट किया जाए, क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन विथ डोमिनियन स्टेटस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट प्लान वॉज इन्वाइसेज्ड बाई सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार? तो इन्होंने बोला कि इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। वॉट प्लान वॉज इन्वाइसेज्ड बाई सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार? तो ये चाहते थे स्टैफोर्ड क्रिप्स कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए और इंडिया पार्टिसिपेट करे, इसके लालच में जो है किसके लिए, ब्रिटेन के साथ जर्मनी से लड़े, बट ये एक्सेप्ट नहीं किया। सो हु व्यूड द क्रिप्स प्रपोजल एज द पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक? इसका मतलब ये है कि ये जो है कहावत है, इसका कहावत का मतलब समझो, ये बात जो बोली गई काफ़ी डीप मीनिंग है कि आप तो एक पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो जिस बैंक, उस बैंक का दे रहे हो जो ऑलरेडी बैंकक्रप्ट या फिर क्रैशिंग है, तो ये कभी काम ही नहीं आएगा हमारे। तो ये महात्मा गांधी ने बोला था, बोला हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं। व्हाट वाज द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रिप्स मिशन? तो इसमें जो था कि क्रिएट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को ताकि इंडियन यूनियन बनाया जाए और उनको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। तो मेन बात फंस जा रही थी डोमिनियन स्टेटस पे। सो विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? तो ये भेजा था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल उस समय प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का और उसी ने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा था। सो हु आर द ऑफिशियल्स ऑफ कांग्रेस नेगोशिएटर्स विथ क्रिप्स मिशन? तो इसमें देखिए, नेगोशिएट करने के लिए कांग्रेस की तरफ से गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद साहब। अगला सवाल है इसमें, आखिरी सवाल है क्रिप्स मिशन में, हु कॉल्ड मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी एज पॉलिटिकल ब्लैकमेल? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था कि जो मूवमेंट है गांधी जी का ये एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल है, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब आता है क्विट इंडिया मूवमेंट।
तो अगला जो मूवमेंट है वो क्विट इंडिया मूवमेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट के देख पर देख लेते हैं। पहला सवाल है इसमें, ऑन 6 जुलाई 1942 द वर्किंग कमिटी ऑफ कांग्रेस महात्मा गांधी डिस्कस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम हिज क्विट इंडिया पॉलिसी, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कमिटी। तो ये कमिटी के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया मूवमेंट था, जिसमें बोला कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया, बोला कम्प्लीटली अब इनको निकाल देना है देश से। वैसे तो इनका प्लान नहीं था किसी भी तरीके से कि अहिंसा मतलब हिंसा हो, बट क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुआ। तो इसका जो है फर्स्ट टाइम जब क्विट इंडिया पॉलिसी को डिस्कस किया जा रहा था, उस वर्किंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है, वेयर डिड कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीट टू पास क्विट इंडिया रिजोल्यूशन ऑफ 14 जुलाई 1942। तो ये वर्धा में इसको पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये थे लॉर्ड वेवल। इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ कौन था उस समय, तो लॉर्ड वेवल था। लॉर्ड वेवल जो था ये वायसराय था, ठीक है, इसीलिए ये कमांडर इन चीफ भी था इंडियन आर्मी का, जिसने क्विट इंडिया मूवमेंट पे काफ़ी क्रशिंग एक्शन लिया। सो व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ग्वालियर टैंक जो कि बॉम्बे में पड़ता है यहाँ से पास हुआ था और यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो इन विच ग्राउंड, वेरी फेमस ग्राउंड ऑफ बॉम्बे द प्रपोजल वॉज पास्ड फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दोस्तों ये जो ग्राउंड था, इस ग्राउंड का नाम है ग्वालियर टैंक। विच वाई इज़ ईयर 1942 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी साल गांधी जी द्वारा चलाया गया क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था 1942 में। हालांकि ऑपरेशन जीरो चला के सुबह सुबह बिल्कुल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें गांधी जी भी थे, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सबको अरेस्ट कर लिया गया। वेयर वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट प्राइमरली लॉन्च्ड, तो ये जो है बॉम्बे में लॉन्च हुआ था, बॉम्बे में। व्हाट अपील डिड महात्मा गांधी मेक टू प्रिंसेस ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो इन्होंने कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही कि आप लोग जो भी प्रिंसली स्टेट के राजा हैं, प्रिंसेस हैं, आप लोग जो है पीपल की यानी कि जनता की सोवरेनिटी को मान ले, जनता सुप्रीम है, जनता से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये आप मान लें। नेक्स्ट है, विथ विच मूवमेंट इज़ द स्टेटमेंट वी सेल ईदर फ्री इंडिया और डाई, जिसे हम कहते हैं करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी ने। द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवेन बाई, तो ये महात्मा गांधी ने ही दिया था। द स्लोगन डू और डाई इज़ रिलेटेड विथ, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। वेन डिड बलदेव सहाय जो थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया, देखिए रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल। तो इन्होंने ये रिजाइन किया था 1942 में। ये एक एडवोकेट जनरल थे सरकार के, ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये एडवोकेट जनरल थे, और इन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से इन द फेवर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। इन हुज रिस्पॉन्स वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, क्या ऐसा हो गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया गांधी जी के द्वारा। तो देखिए, सब चाहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस भारत को मिल जाए, लेकिन क्रिप्स प्रपोजल जो था वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था, तो सब नाराज़ हो गए, और क्रिप्स प्रपोजल जो था, क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया। तो इसके बाद कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही था, तो इसी के साथ लॉन्च हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। सो क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लेड बाई हुम, तो इसे खुद ही महात्मा गांधी लेड कर रहे थे, बट ग्राउंड पे वो नहीं थे, क्योंकि ऑपरेशन जीरो चला के सभी बड़े नेताओं को सुबह सुबह जो है सनराइज़ के आसपास ही और उससे पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। विच मूवमेंट वॉज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं भी ये भड़क जा रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट वाले लोग, और कोई भी टॉप लीडर इसमें था नहीं, तो लीडरलेस हो गया था ये मूवमेंट, इसीलिए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहा जाता है।
तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट ही था. हु सपोर्टेड द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन ऑफ 1942, तो इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसे सपोर्ट किया. बाई हुम वॉज द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन मूव्ड इन बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस इन द ईयर 1942, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस में क्विट इंडिया मूवमेंट को. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेन इट वॉज पास्ड, इट पास द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और बार बार पूछा जाता है. तो उस समय जब क्विट इंडिया मूवमेंट को पास किया गया, तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. इन्हें फ्लैम बॉयंट ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है, जिन्ना के द्वारा कहा गया था. ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सिंबल के तरीके से इनको पेश किया जाता था, बट जिन्ना इनको चाहता नहीं था. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 लगातार साल, यानी कि 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद इज द राइट आंसर. हु रैन द कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो एक सीक्रेट रेडियो था और ये उषा मेहता के द्वारा चलाया जाता था, जिसमें रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए संपर्क किया जाता था, जनता को सुनाया जाता था रेडियो पे. एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन था ये, उषा मेहता के द्वारा चलाया जाता था. स्टार मार्क क्वेश्चन है, बीपीएससी यूपीएससी यूपीपीएससी में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है. अगला सवाल है, हु मेड रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग ऑन कांग्रेस रेडियो ऑपरेटेड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसमें राम मनोहर लोहिया किसानों के लेबर के नेता माने जाते हैं, तो ये इस पर बार बार जो ब्रॉडकास्ट करते थे. हु ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता एट बकरी का टापू वॉज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो आज़ाद दस्ता जो है बिहार के एक पर्सनालिटी, जेपी जिनका शॉर्ट में नाम है, जिनको लोक नायक भी उपाधि दी गई है, इनका नाम है जयप्रकाश नारायण. सो हु वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो विंस्टन चर्चिल था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, तो ये बीपीएससी में 2005 वाले में पूछा गया है. विच अमेरिकन पब्लिसिस्ट वॉज विथ महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसका नाम है लुइस फिशर, बार बार पूछा जाता है. विच एरियाज वेयर अफेक्टेड वाइडेस्ट विथ कॉम्युनल राइट्स ड्यू टू क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये था बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है कॉम्युनल राइट हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान. ठीक है, हु डिस्क्राइब्ड अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942 एज मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस सिपाही म्यूटिनी, ये कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने. सो हु डिस्क्राइब्ड अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942 एज द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस सिपाही म्यूटिनी, ये कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने. टू विच जेल वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट ऑन 9th अगस्त 1942 आफ्टर हिज अरेस्ट, तो ये बीपीएससी का सवाल है, क्योंकि बाकी पूरा सेंट्रल जेल में इन्हें भेजा गया था, बाकी पूरा बिहार में पड़ता है. वेयर वॉज महात्मा गांधी अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इन्हें अरेस्ट करके रखा गया था बॉम्बे में, बॉम्बे के जेल में. वेयर वॉज गांधी जी अरेस्टेड आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इन्हें आगा खान पैलेस पुणे में जो है, ठीक है, इनको अरेस्ट करके रखा गया जब वो रिजोल्यूशन को पास किए थे क्विट इंडिया मूवमेंट को. आगा खान पैलेस जो है ये पुणे में पड़ता है. एंड ऑन 9th अगस्त 1942 विच टू लीडर्स वेर अरेस्टेड एट हजारीबाग, तो ये शिव कुमार और रामनंदा को अरेस्ट किया गया था. बीपीएससी स्पेसिफिक सवाल है ये, क्योंकि ये बीपीएससी के अलावा और कहीं पूछा नहीं जा सकता है, इनफैक्ट पूछा नहीं गया है, सकता है तो कुछ भी हो सकता है. विच एरियाज वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाई द टोटल ब्रेकडाउन ऑफ रेल सर्विसेज ड्यू टू अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड अदर कांग्रेस लीडर, तो हुआ क्या कि जब ऑपरेशन जीरो चला के सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही टॉप नॉच के नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, तो जनता काफ़ी क्रुद्ध हो गई, दुखी हो गई, एंग्री हो गई, और उन्होंने रेल सर्विसेज वगैरह को ठप कर दिया, और ये हुआ था मुंगेर में.
मुंगेर टोटली अफेक्टेड हो गया था। इन विच कॉन्टेक्स्ट डिड जयप्रकाश नारायण गेट द रिकॉग्निशन एज नेशनल लीडर? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट में ही इनके योगदान के वजह से इनका जो है नेशनल मूवमेंट में नेशनल लीडर के तौर पे इन्हें जाना जाने लग गया। इन विच ईयर वॉज आरएसएस सेपरेटेड फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ये 1942 में ही आरएसएस जो है सेपरेट कर ली अपने आप को क्विट इंडिया मूवमेंट में, इसमें सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट जो भी कॉम्युनल फोर्सेस थी वो इसको सपोर्ट उस समय नहीं कर रही थी। विच मुस्लिम लीडर वर्कड एज स्टाउंच एलाई ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ये थे जिन्ना, क्योंकि जिन्ना को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की वजह से अगर अंग्रेज छोड़ के चले गए तो हमारा क्या होगा, हम भी तो चाहते हैं कि हम भी सरकार बनाए, हमारा भी जगह हो, सेपरेट देश बनाए, तो ये फेल हो जाएगा। इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च होने के साथ ही जिन्ना ने सपोर्ट अपना फुल्ली दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और इसी वजह से हिंदू मुस्लिम के दंगे भी हुए, ड्यूरिंग विच फ्रीडम मूवमेंट वाज अरुणा असफ अली वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही अरुणा असफ अली को माना जाता है कि इस इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चला रही थी इसी दौरान में वो। अगला सवाल है कि वेयर द पैरेलल गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? एक तो बलिया में और दूसरा सतारा में। तो बलिया और सतारा में जो है अपने आप को जो है बोला वो कि हम आज़ाद हो चुके हैं, और पैरेलल सरकार इन्होंने चलाई थी, ठीक है, चित्तू पांडे का नाम सुना होगा आपने, बलिया में। इन विच ईयर वॉज जातीय सरकार फॉर्म्ड इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल? तो ये 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के ही दौरान जातीय सरकार एक पैरेलल गवर्नमेंट का ही टाइप था, ये मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल में बनाया गया था। विच मूवमेंट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो ये था कल्मिनेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद तो फिर जो कैसे कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, वेबल प्लान आया, वो सब आ गया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है कल्मिनेशन माना जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट को, इंडियन नेशनल मूवमेंट का। अब हम देखेंगे देसाई लियाकत प्रपोजल, ठीक है, एक तरफ थे इसमें भूला भाई देसाई और दूसरे तरफ थे लियाकत अली। तो इनका एक प्रपोजल आया था जो कि इम्पॉर्टेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इसको हम देख लेते हैं एक बार। सो हु स्टेटेड दैट गांधी जी हैड फुल नॉलेज ऑफ ऑन गोइंग नेगोसिएशंस अबाउट देसाई एंड लियाकत मीटिंग? तो ये कहा था चिमनलाल सेतलवाद ने। वेन डिड देसाई गिव प्रपोजल टू लियाकत अली खान फॉर फॉर्मिंग इंटरिम गवर्नमेंट एट सेंटर? तो ये दिया था इन्होंने जनवरी 1945 को। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ देसाई लियाकत प्रपोजल भूला भाई जीवन जी देसाई मेट प्राइवेट सेक्रेटरी टू वायसराय ऑन 13th and 20th January 1945। मेंशन द नेम ऑफ सेक्रेटरी? तो ये था इवान जेनकिंग्स। नेम द प्रोमिनेंट लीडर मुस्लिम लीग लीडर दैट वॉज अनअवेयर अबाउट द मीटिंग ऑफ भूला भाई देसाई एंड लियाकत अली? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद आया वेवल प्लान एंड शिमला समझौता, शिमला कॉन्फ्रेंस। तो इसमें है पहला पॉइंट, हु सक्सीडेड लॉर्ड लिनलिथगो एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इनफैक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे, वायसराय ऑफ इंडिया बोलना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 1858 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमाल संभाल ली इंडियन गवर्नेंस की, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था उसे ख़त्म करके, इनफैक्ट आप ये कहो कि नाम बदल के उसका वायसराय कर दिया, तो ये वायसराय होगा। हु सक्सीडेड लॉर्ड लिदगो एज वायसराय ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 1943? तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेवल। विच प्लान वाज आल्सो पॉपुलर एज ब्रेकडाउन प्लान? तो ये था वेवल प्लान, ब्रेकडाउन प्लान के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया।
ऑल पोर्टफोलियोज एक्सेप्ट वन वेयर टू बी अंडर कंट्रोल ऑफ इंडियन मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल नेम द पोर्टफोलियो. तो ये था डिफेंस. ठीक है, बोला जा रहा है इस वेवल प्लान में बोला गया कि सारी पोर्टफोलियो एक्सेप्ट डिफेंस जो होगा वो इंडियन मेंबर्स के कंट्रोल में होगा, इंडियन मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कंट्रोल में होगा, लेकिन डिफेंस जो है इसमें नहीं होगा इनके हाथ में, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था. हाउ मेनी मेंबर्स वेयर प्रपोज्ड फॉर द न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल अंडर वेवल प्लान. तो ये बोला गया कि जो नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगा उसमें जो होगा मेंबर्स की जो संख्या होगी न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 14 की होगी. इन विच प्लेस द वेवल प्लान वॉज कंडक्टेड विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ 21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स. तो ये शिमला में हुआ था. इन विच प्लेस द वेवल प्लान वॉज कंडक्टेड विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ 21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स. तो ये शिमला में हुआ था. हाउ मेनी सीट्स फॉर द प्रपोज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर गिवन टू मुस्लिम. तो ये 6 सीटें दी गई थी. हाउ मेनी सीट्स फॉर प्रपोज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर गिवन टू मुस्लिम्स. तो ये 6 सीटें दी गई थी. हु रिजेक्टेड द वेवल प्लान. तो वेवल प्लान को रिजेक्ट किया था कांग्रेस ने. कांग्रेस ने वेवल प्लान को रिजेक्ट कर दिया था. ठीक है. इन विच कॉन्फ्रेंस वेवल प्लान वॉज ड्रॉप्ड आउट. तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे 21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे इसे ड्रॉप कर दिया गया. काफ़ी सारी दिक्कतें आई इसमें. हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया ड्यूरिंग वेवल प्लान. तो ये एलएस एमरी थे. तो वेवल प्लान कब आया था 1943 में, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है. फिर आता है सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी INA का जो फाउंडेशन डाला इन्होंने और जुड़े रहे सुभाष चंद्र बोस. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब चीज़ों के बारे में जानना. सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन विच सिटी. तो इनका जन्म कटक में हुआ था जो कि पड़ता है कहाँ पर, उड़ीसा में. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कटक उड़ीसा में. इन विच ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक. तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने 1939 में बनाया था त्रिपुरी सेशन के फेलियर के बाद. हु ज्वाइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाइंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विथ INA मूवमेंट, दैट इज इंडियन नेशनल एसोसिएशन मूवमेंट. तो इससे जुड़े रहे इंडियन नेशनल आर्मी, सॉरी सीलभद्र याजी. सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ INA. तो ये मोहन सिंह की थॉट प्रोसेस थी. इन्होंने ही, मोहन सिंह एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक ऑफिसर थे, इन्होंने ही जो है नींव डाली इंडियन नेशनल आर्मी की. इन विच ईयर वॉज INA फाउंडेड. तो ये 1942 में बनाया गया था. हु वॉज द फर्स्ट कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज. तो ये आज़ाद हिंद फौज जो है मोहन सिंह के ही इसके फर्स्ट कमांडर थे, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी. When was the organization of Azad Hind Fauj declared? तो ये डिक्लेयर किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को. When did सुभाष चंद्र बोस announce the establishment of provincial government of free India? तो इन्होंने अनाउंस किया था 21 अक्टूबर 1943 को. देखिए 21 अक्टूबर 1943 को दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो आज़ाद हिंद फौज का जो है ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने अनाउंस किया कि इस्टेब्लिश किया जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया 21 अक्टूबर को ही 1943 को. वेयर डिड आज़ाद हिंद फौज सेटअप इन 1943. तो ये मलाया मतलब इंडिया से बाहर में इसे फॉर्म किया गया था, मलाया पेनिनसुला में. विच इंडियन रिवोल्यूशनरी हेल्प्ड सुभाष चंद्र बोस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज. तो करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस. विच इंडियन रिवोल्यूशनरी हेल्प्ड सुभाष चंद्र बोस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज. तो करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस. वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ आज़ाद हिंद फौज सिचुएटेड. तो ये बर्मा की कैपिटल रंगून में सिचुएटेड है. वॉट वॉज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाई सुभाष चंद्र बोस. तो इसमें इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, गिव मी द ब्लड एंड आई विल गिव यू द फ्रीडम. यानी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच आर्मी वॉज रेज्ड बाई सुभाष चंद्र बोस. तो ये था फ्री इंडियन लीग. हु
हु इस्टेब्लिश रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने ही अपने INA में एक रेजिमेंट बनाया जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा था। हु कॉल्ड, और इसमें मतलब मैक्सिमम औरतें और लड़कियां जुड़ी हुई थी। हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक, देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को देने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। हु गेव द स्लोगन जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने ही। तीन नारे इनके फेमस है, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो। द आज़ाद हिंद फौज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। हु हेडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स टू आर्ग्यू द केस ऑन बिहाफ ऑफ INA इन 1945 इन द रेड फोर्ट ट्रायल्स, तो ये इसको एक वकील थे भूलाभाई देसाई जिन्होंने इसको लड़ा था INA के सैनिकों को रेड फोर्ट ट्रायल जो चल रही थी, तो वहाँ पे एज ए वकील इन द फेवर ऑफ INA ट्रायल्स के फेवर में भूलाभाई देसाई लड़े थे, इस केस को लिया था उन्होंने। द ट्रायल ऑफ ऑफिसर्स ऑफ INA वॉज हेल्ड इन दिल्ली, दिल्ली। द फेमस INA ट्रायल टुक प्लेस इन रेड फोर्ट इन दिल्ली इन विच ईयर, तो ये 1945 में ही हुआ था। हु हैड प्लीडेड ऑन द साइड ऑफ INA ऑफिसर्स इन देयर रेड फोर्ट ट्रायल, तो सर TB सपरू जो थे इन्होंने ये याचिका डाली थी कि इंडियन ऑफिसर्स जो थे INA के उनको जो है बहुत सजा ना दी जाए, सजा ना दी जाए। अब आता है CR फार्मूला जिसे कहते हैं, राजगोपालाचारी फार्मूला या फिर CR फार्मूला भी बोलते हैं। ये क्या था, ये भी एक मतलब कहीं ना कहीं जो एक स्टैग्नेशन आ गया था उसको तोड़ने के लिए था कि कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कैसे आज़ादी मिलेगी। सो विच पैम्फलेट वॉज इशूड बाई सी राजगोपालाचारी, तो ये वे आउट पैम्फलेट इसका नाम है। राजगोपालाचारी प्रिपेयर्ड विच फार्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये थे CR फार्मूला दिया इन्होंने, क्योंकि दोनों आपस में नहीं बैठ पा रहे थे, एग्रीमेंट दोनों के बीच में नहीं हो पा रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका फ़ायदा ले रही थी। फिर आता है नेवल म्यूटनी हुआ 1946 में, उस वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इसको देश के बड़े नेताओं का सपोर्ट नहीं मिला कांग्रेस के। सो व्हेन डिड नेवल म्यूटनी टेक प्लेस, तो ये 18 फरवरी को होता है 1946 में। विच कांग्रेस लीडर ओपनली सपोर्टेड द रॉयल इंडियन नेवी अपराइजिंग, तो एक्सेप्ट जो है अरुणा असफ अली के अलावा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मतलब ओपनली नहीं किया। सो विच कांग्रेस लीडर ओपनली सपोर्टेड द रॉयल इंडियन नेवी अपराइजिंग, ये अरुणा असफ अली हैं थी। विच लेफ्ट लीनिंग पार्टी गिव सॉलिडेरिटी टू नेवल म्यूटनी ऑफ 1946, तो ये सपोर्ट किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। नेवल म्यूटनी केम टू एन एंड विद द इंटरवेंशन ऑफ विच कांग्रेस लीडर, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले जाके, उनको समझाया कि देखो भाई ये गलत चीज़ है, तुम लोग अभी के अभी जो है अपना म्यूटनी को बंद करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा नेवल इंडियन सिपाहीज को कहा। व्हेन डिड म्यूटिनियर्स सरेंडर, तो ये 23 फरवरी 1946 को इन्होंने सरेंडर कर दिया। अगला सवाल है, हु वॉज प्रेसिडेंट ऑफ नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी ड्यूरिंग रॉयल नेवी म्यूटनी इन 1946, तो करेक्ट आंसर होगा MS खान। एज ए कंसीक्वेंस हाउ मेनी सेलर्स वेयर डिसमिस्ड फ्रॉम द रॉयल ब्रिटिश इंडियन नेवी, तो 476 सेलर्स को डिसमिस कर दिया गया, मतलब सर्विस से बिल्कुल निकाल दिया गया। फिर आता है डायरेक्ट एक्शन डे, तो चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे की। तो डायरेक्ट एक्शन डे की बात करें तो यहाँ पर पहला सवाल बनता है, हु प्रोक्लेम्ड 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे, तो ये प्रोक्लेम किया था मुस्लिम लीग ने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चल रही थी और इनको लग रहा था कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, तो इन्होंने इसी के लिए एक डायरेक्ट एक्शन डे जिसमें बोला कि अब हमें कुछ नहीं दिख रहा है, अब हमें जो है हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें एक सेपरेट मुस्लिम पूरा कंट्री चाहिए, पाकिस्तान चाहिए।
तो इसके लिए इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे जो है 16 अगस्त 1946 को शुरू किया था। नेक्स्ट टू इम्फेसाइज द डिमांड फॉर ए सेपरेट पाकिस्तान विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड बाई मुस्लिम लीग, तो करेक्ट आंसर होगा इसका डायरेक्ट एक्शन डे। विच इवेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट कैलकटा किलिंग, तो ये इसी जो है दिन को इसी इवेंट में काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का जो है विवाद हो गया जिसमें काफ़ी ज़्यादा जाने गई, इसीलिए इसको डायरेक्ट एक्शन डे को ग्रेट या फिर इस इवेंट को ग्रेट कैलकटा किलिंग भी कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा जाने गई थी। फिर आता है 1946 में ही मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, यही वो प्लान है जिसके तहत जो है कैबिनेट कमेटी का गठन हुआ और जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो पहला सवाल है हु प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन प्लान, तो करेक्ट आंसर होगा सर पी लॉरेंस, पैथ्रिक लॉरेंस इनका पूरा नाम है। तीन मेंबर थे इसमें, ठीक है, तीन मेंबर थे, पैथ्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, एक और थे अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये सब लोग मिलके कैबिनेट मिशन के प्लान थे और ये प्लान आया था इंडिया में। व्हेन डिड कैबिनेट मिशन प्लान केम कम टू इंडिया, तो ये आया था मार्च 1946 में, बीपीएससी का सवाल है। कैबिनेट मिशन कमिटी हैड प्रपोज्ड विच टाइप ऑफ पॉलिटी फॉर इंडिया, तो इन्होंने बोला कि थ्री टायर पॉलिटी होनी चाहिए, थ्री टायर पॉलिटी, ठीक है। इट मेड इट्स प्रपोजल इन मई एंड इट स्टिल वांटेड ए यूनाइटेड इंडिया, देर वॉज टू बी अ फेडरल यूनियन कंप्राइज ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू कैबिनेट मिशन। तो बेसिकली इसमें जो थ्री टायर पॉलिटी थी इसमें एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रिटिश प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट थे उन सबको मिला के ये थ्री टायर जो है प्लान इनका था। विच कांग्रेस लीडर वॉज इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, तो महात्मा गांधी इसके फेवर में थे। विच कांग्रेस लीडर वॉज इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, तो करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएटेड विथ बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवल, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद, यही कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जो कि कई सालों तक भी रहे, लगातार कई साल तक रहे थे, और इन्होंने नेगोशिएट किया था दोनों, क्रिप्स मिशन में भी जो कि फेल हो गया था और लॉर्ड वेवल के साथ भी इन्होंने नेगोशिएट किया था, दोनों हालांकि फेल हो गया था। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द कैबिनेट मिशन, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, ये फाइनली सक्सेसफुल रहा। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्मड इन ईयर 1946, तो इसको जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे। और बेसिकली जब कैबिनेट कमेटी बनी थी तो उसका दो काम था, एक काम था उसका कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम, और दूसरा इनका काम था इंटरिम गवर्नमेंट को चलाना, इंटरिम गवर्नमेंट को चलाना इंटरिम कैबिनेट के थ्रू। तो इसके जो है हेड की बात करें तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, इसको हेड किया था इन्होंने। व्हेन वाज द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो करेक्ट आंसर होगा सितंबर 1946 में। व्हेन वाज द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो करेक्ट आंसर होगा सितंबर 1946। अगला सवाल है विच पोर्टफोलियो वॉज हेल्ड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन ईयर 1946, तो ये इन्होंने अपने पास रखा था फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, इस पोर्टफोलियो को अपने पास रखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। विच पोर्टफोलियो वॉज हेल्ड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन ईयर 1946, तो करेक्ट आंसर होगा फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में राजेंद्र प्रसाद साहब। इन द इंटरिम गवर्नमेंट हु हेल्ड द रेलवे पोर्टफोलियो, तो रेलवे का जो पोर्टफोलियो था ये असफ अली को दिया गया था, असफ अली 1942 वाले जो उसमें था इनका रोल था, ठीक है, अगस्त क्रांति जिसे कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। व्हाट पोर्टफोलियो वॉज असाइन टू लियाकत अली खान व्हेन इंडियन मुस्लिम लीग वॉज इंडक्टेड इनटू द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है और तमाम कई सारे एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप याद रखेंगे। कौन सा पोर्टफोलियो, तो ये था इंटरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस का पोर्टफोलियो इनको दिया गया था लियाकत अली खान को, जब मुस्लिम लीग इंक्लूड की गई थी इंटरिम गवर्नमेंट में, कुछ दिन तक ये इंक्लूडेड रहे, बाद में इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। इन विच प्रोविंस डिड मुस्लिम लीग फॉर्म देयर गवर्नमेंट आफ्टर 1946 इलेक्शन, तो इन्होंने 1946 के इलेक्शन के बाद बंगाल में इन्होंने
अपनी सरकार बनाई थी बंगाल में। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसका काम मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का इनका काम था। सो विच पार्टी फर्स्ट मूटेड, या फिर सोचना जिसे कहते हैं मूटेड, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो करेक्ट आंसर होगा कांग्रेस पार्टी इन 1936। कांग्रेस पार्टी इन 1936। विच पार्टी फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। करेक्ट आंसर होगा कांग्रेस पार्टी 1936 में। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान विच बॉडी वॉज सेटअप दैट फ्रेम्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के ही बनाया गया था, जिसमें मेंबर्स रखे गए थे। इनिशियली 389 थे, बाद में 299 हो गए थे जब मुस्लिम लीग का अलग हो गया, ठीक है, अलगाव हो गया। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन विच डेट। तो ये 9 दिसंबर 1946 को। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा देता हूँ। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन विच डेट। तो करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा वॉज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। बिहार के निवासी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ये जो है फर्स्ट जो है, या फिर टेम्पोरोरी कह सकते हैं, ये प्रेसिडेंट भी रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश एरा एंड द पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो पहले हमारे जो स्पीकर हैं वो जीवी मावलंकर हैं, ठीक है, वो चाहे फ्री इंडिया की बात करें या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले हमारे जो है इंडियन जीवी मावलंकर। फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और भारत आज़ाद हो जाता है। साथ में इसके साथ आता है माउंट बेटन प्लान, जिसमें पार्टीशन हो जाता है इंडिया का। सो विच पार्टी वॉज इन पावर इन UK व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो उस समय लेबर पार्टी जो थी ये उस समय पावर में थी UK में। क्लीमेट एटली इसके जो थे, ये हेड थे। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। तो करेक्ट आंसर होगा क्लीमेंट एटली, यही प्राइम मिनिस्टर थे उस समय इंग्लैंड के। व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू लीव इंडिया बाई June 1948। तो ये डिसीजन 20 फरवरी 1947 को आ गया था। और ये देखो डेट इन्होंने दिया June 1948 तक हम लोग छोड़ देंगे, इंडिया को लीव कर देंगे। बट इनको इतनी जल्दी हो गई थी उस समय, क्योंकि इनको इंडिया से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो जल्दी के मारे इन्होंने, बहुत जल्दी हड़बड़ी में ही माउंट बेटन प्लान आया और बहुत जल्दी इन्होंने लीव कर दिया इंडिया को। 15 अगस्त को तो हम आज़ाद हो गए थे 1947। हु वॉज द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो उस समय जॉर्ज सिक्स थे। विच प्लान बिकम द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये था माउंट बेटन प्लान, इसमें पार्टीशन का प्लान लाया गया था। सो व्हाट डिड द माउंट बेटन प्लान बिकम द बेसिस फॉर। तो ये पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी जो कि दिया गया था किसको, ये सर रेडक्लिफ को दिया गया था। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सोवरेनिटी टू इंडिया इन 1947 नोन एज। तो ये माउंट बेटन प्लान के नाम से जाना गया। द अनाउंसमेंट ऑफ विच प्लान वॉज डिलेड बाई माउंट बेटन। तो ये था बाउंड्री कमीशन अवार्ड, जानबूझ के डिले किया, क्योंकि ये चाहते थे कि हम निकल जाएँ और ज़्यादा टाइम बचे ना, और केओस जो है वो इंडिया में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वेन वॉज द माउंट बेटन प्लान डिक्लेयर्ड ऑन। तो ये 3 जून 1947 को डिक्लेयर हुआ था। एंड ऑन विच डेट द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड द रॉयल एसेंट होगा, एसेंट नहीं, तो रॉयल एसेंट इसको मिलता है 18 जुलाई 1947 को। और फाइनली हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हो जाते हैं। सो विच थ्योरी वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई कांग्रेस। तो ये टू नेशन थ्योरी कांग्रेस जो थी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बट फाइनली जो है ये एक्सेप्ट करना पड़ा। हु हेडेड द बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड इन 1946 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो ये रेडक्लिफ को बनाया गया था, सर रेडक्लिफ इसके हेड थे, इसीलिए भारत पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कांग्रेस सेशन ऑफ दिल्ली वेयर इन रेजोल्यूशन ऑफ डिवाइडेड इंडिया वॉज पास्ड ऑन 14 जून 1947। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चेयरमैन थे कांग्रेस सेशन के दिल्ली में, जब रेजोल्यूशन को डिवाइडेड इंडिया को पास किया गया 14 जून 1947 को। हु टुक द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑन पार्टीशन इन द मीटिंग ऑफ कांग्रेस कमेटी एज अ सरेंडर
ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कॉमनलिज्म। तो ये डॉक्टर किचलू ने कहा, ये इसलिए कहा इन्होंने क्योंकि इनको लग रहा था, मतलब उस समय के जो सोचकर्ता थे, जो लोग थे जो कि काफ़ी इन सब चीज़ों पे विचार करते थे, उनको लगता था कि भारत को जो है, भारत के टॉप लीडर को जल्दी से जल्दी उनको शासन चाहिए, इसलिए वो किसी हद तक जा सकते हैं और उन्होंने पार्टीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो नेशनलिज्म को जो है सरेंडर कर दिया उन्होंने कॉम्युनलिज्म के लिए। इन द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कमेटी ऑन June 14th and 15th, हु वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसको अगेंस्ट में वोटिंग की थी, वो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। इन्हें सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। हु अज्यूम द सोवरेनिटी पावर सोवरेन पावर एट द मिड नाइट ऑफ 14th and 15th August 1947 प्रोविजनली, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है पावर मिल गया मिड नाइट को ही 1947 14-15 अगस्त को, कि भैया अब हम जो है सोवरेन हो गए हैं पावर, अब हमको कुछ नहीं करना है, सीधा हमें अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, गवर्नेंस करनी है। हु सैंग हिंदुस्तान हमारा इकबाल एंड जन गण मन इन सेंट्रल असेंबली एट मिड नाइट ऑफ 14th and 15th August 1947, तो करेक्ट आंसर होगा एम एस सुब्बलक्ष्मी, वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो ये जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, एंड जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे वो सी राजगोपालाचारी थे, उसके बाद जो थे लास्ट वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ही। हु वॉज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ये फैक्टुअल क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये थे बी आर अम्बेडकर साहब। हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये थे बी आर अम्बेडकर साहब। अगला सवाल कहता है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस इन पार्टीशन काउंसिल हेडेड बाई लॉर्ड माउंटबेटन, करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल। हु रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला सवाल कहता है हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये भीमराव अंबेडकर थे, बी आर अंबेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द पार्टीशन काउंसिल हेडेड बाई लॉर्ड माउंटबेटन, तो करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल। हु वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो ये थे जे वी कृपलानी। इन August 1947 विच लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट एनी वेयर इन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, तो महात्मा गांधी को बहुत दुख हुआ था कि ये बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा है, इकला चलो रे, ऐसे करके जो भी दंगे हो रहे थे उसको सुलझाने लग गए ये, और बिल्कुल भी सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं बने। इंडियन नेशनलिज्म इज़ द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल, हु मेड दिस स्टेटमेंट, इंडियन नेशनलिज्म इज़ द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल। ये ब्रिटिशर्स का मानना था कि इंडियन नेशनलिज्म कोई पहले से नहीं आ रही है, चली आ रही है, इन्होंने सीखा है और ये हमसे सीखा है इन्होंने, तो ये आर कूपलैंड ने बोला था। हु सेड द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर होगा केम पनिकर, जो कि एक इंडियन थे, इन्होंने कहा था द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, सब एकजुट हो गए इनसे लड़ने के लिए। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो महात्मा गांधी, एम के गांधी जिसे बोलते हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, ये मेन चीफ आर्किटेक्ट थे इस मूवमेंट के, इस मूवमेंट को क्राफ्ट किया था इन्होंने, एंड हिस्टोरिक अगस्त मीटिंग हुई थी ग्वालिया टैंक जो कि बॉम्बे में पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने ये नारा भी दिया था कि करो या मरो, ठीक है, डू और डाई, अब टाइम आ गया है। जयप्रकाश नारायण JP जिन्हें बोलते हैं, ही वॉज ए मेम्बर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप एंड प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन दिस मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू, ही डिक्लेयर द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन ऑन 8th August 1946। रास बिहारी बोस, ही वॉज ए रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट एंड वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। वही बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो बोस ने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल आर्मी को 1943 में, एंड हिज मोस्ट फेमस स्टेटमेंट वॉज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, गिव मी द ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम। सी राजगोपालाचारी और भूलाभाई देसाई एक वकील थे, सो दे वर मॉडरेट लीडर्स एंड हु वेर इन फेवर ऑफ रिकोगनाइजिंग द राइट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस टू सक्सीड थ्रू प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है, वोटिंग कराई जाती है जनता के द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज गेंड। इनका ये प्लान था कि इन ये चाहते थे
कि देखो मुस्लिम्स के भी राइट्स हैं और हिंदू के तो है ही, सबके राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि प्लेबिसाइट कराया जाए कि भाई जो है कोई जो प्रोविंस होगा वो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस होगा कि नहीं होगा, तो वो प्लेबिसाइट कराइए, मतलब कि वोटिंग कराइए जनता के द्वारा। ज़्यादा सम इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस को देख लेते हैं 1885 से लेकर 47 तक। तो 1885 में एक सेशन हुआ था बॉम्बे में, ये पहला सेशन था जिसके प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट भी कहे जाएंगे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, बोमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है इनको। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट सेशन जो हुआ था, इट वॉज अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स। फर्स्ट सेशन जो था ये कांग्रेस का, इसको अटेंड किया था 72 डेलीगेट्स ने। 1886 में कलकत्ता में एक सेशन हुआ, दादा भाई नरोजी ने इसे हेड किया था, प्रेसिडेंटशिप दिया था। मर्जर हुआ नेशनल कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें 436 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। या था 1887 में मद्रास में हुआ, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रेसिडेंट थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी ये हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये कांग्रेस के। 1888 में इलाहाबाद में सेशन हुआ, जॉर्ज यूले इसके प्रेसिडेंट बने और ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, वेरी इंपॉर्टेंट। 1889 में बॉम्बे में ही हुआ कॉन्फ्रेंस जो है सेशन, और सर विलियम वेडरबर्न जो कि एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी इन्होंने, ये फर्स्ट टाइम वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा इसमें पहली बार वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, हालांकि सर विलियम वेडर बर्न जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। 1905 में हिस्टोरिकल एक सेशन हुआ था जिसको कहते हैं बनारस सेशन, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको हेड किया था, प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे डिसेंट मिला था, मतलब सहमति नहीं मिली थी, मोशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल को, इसको पास किया गया था डिसेंट करके कि भाई हम सहमत नहीं हैं कि पार्टीशन होना चाहिए बंगाल का। 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी ने इसे हेड किया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है स्वराज को यूज किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1907 में सूरत सेशन हुआ जहाँ पे डिवीज़न हो गया, मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसमें कांग्रेस बट गई सूरत अधिवेशन में, रास बिहारी बोस इसके हेड थे, प्रेसिडेंट थे। 1911 में कलकत्ता सेशन हुआ, बिशन नारायण धर इसके प्रेसिडेंट थे। जनगण मन को पहली बार गाया गया इसी सेशन में, जनगण मन को पहली बार गाया गया। 1914 में जो सेशन हुआ कांग्रेस का, ये हुआ कहाँ पे, मद्रास में, भूपेंद्र नाथ दत्त इसके हेड थे और एनी बसंत ने कांग्रेस को ज्वाइन किया यहीं पे। बॉम्बे का सेशन हुआ 1915 में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा जो कि बिहार के बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, इनके प्रेसिडेंटशिप में ये सेशन हुआ, रिजोल्यूशन पास हुआ फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। फिर आता है 1916 का, जिसे लीग और कांग्रेस पैक्ट भी कहते हैं, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो था लखनऊ में हुआ, ये अंबिका चरण मजुमदार इसके प्रेसिडेंट थे और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। ये एक ज्वाइंट सेशन था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। 1917 में कलकत्ता में सेशन हुआ, एनी बेसेंट थी इसकी प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी ये कांग्रेस की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी। 1918 में बॉम्बे और दिल्ली में अधिवेशन हुआ, सैयद हसन इमाम बॉम्बे में इन्होंने हेड किया, सैयद हसन इमाम बिहार के पर्सनालिटी, और मदन मोहन मालवीय दिल्ली वाले में इन्होंने हेड किया। दिस टू सेशंस वेयर हेल्ड एंड फर्स्ट इन बॉम्बे इन अगस्त एंड सेप्टेम्बर, सेकेंड दिल्ली में हुआ दिसंबर में। तो एक ही साल में दो सेशन हो गए। 1919 में अमृतसर में सेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू ने इसको हेड किया, और जालियांवाला बाग मासेकर जो हुआ था उसको स्ट्रॉन्गली इस सेशन में कांग्रेस ने कंडेम किया, पास किया एक रिजोल्यूशन फॉर सपोर्टिंग खिलाफत मूवमेंट। 1925 में कानपुर में सेशन हुआ, इसकी जो प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू, एंड सी वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये हिंदी को डिक्लेयर किया गया यहाँ पे एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कांग्रेस। 1946 का अधिवेशन हुआ मेरठ में, जे बी कृपलानी के नेतृत्व में, इट वॉज द लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, और प्रेसिडेंट जो थे कांग्रेस के इंडियाज इंडिपेंडेंस में, वो लास्ट थे जे बी कृपलानी। फिर आता है 1947 में दिल्ली में हुआ, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, यानी कि प्रेसिडेंटशिप में ये हुआ। अब हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम 1935 टू 1947।
तो 1935 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसके बहुत सारे प्रोविज़न को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उठा के रखा है। 1936 में हुआ प्रोविंशियल इलेक्शन और इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो भी लाई गई, और इसके बाद 1937 में सरकार बन गई थी प्रोविंसेस में, कई जगह कांग्रेस की बनी और कई जगह मिलीजुली सरकार थी। 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस हुआ, त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है जीत गए थे, बट टॉप नॉच के लीडर्स ने उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया, बिकॉज गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया प्रेसिडेंट बने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे उसको कांग्रेस को लेफ्ट की तरफ मोड़ना चाहते थे। नेक्स्ट है 1940 में अगस्त ऑफर आया, ठीक है, और 1940 में ही इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया गांधी जी ने, और पहले सत्याग्रही बने इंडिविजुअल सत्याग्रह के आचार्य विनोबा भावे। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा ये फेल हो गया, और 1942 में इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कर दी उन्होंने तो फेल हो गया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने, ग्वालियर टैंक जो कि बॉम्बे में पड़ता है फेमस, वहाँ पे ये नारा दिया गया था। 1942 में फॉर्मेशन किया गया इंडियन नेशनल आर्मी का, ठीक है, और 1945 में देसाई लियाकत प्रपोजल साइन हुआ, देसाई लियाकत, बुलावे देसाई और लियाकत अली का प्रपोजल ये आया। 1946 में वेवल प्लान आया, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, और 1946 में ही कैबिनेट मिशन प्लान भी आ गया। 1947 में माउंटबेटन प्लान आया, जिससे कि भारत को बांट दिया गया, और 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया और भारत आज़ाद हो गया, और 1947 में ही इंडिपेंडेंस के साथ पार्टीशन भी हुआ भारत का। तो ये कुछ क्रोनोलॉजी थी, तो यहाँ पे ये थर्ड फेज़ का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो कवर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। बाय बाय।